जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर सीज फायर तोड़ा। इंडियन आर्मी के पोस्ट को निशाना बनाने के अलावा पाकिस्तान सेना ने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की है। इस गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। मासूम गांव वालों पर दागे नापाक गोले। पाक ने पुंछ में बरसाए मोर्टार। एलओसी के किरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए मासूम लोगों के खून से अपना दामन रंग लिया है। अस्पताल में दर्द से कराहते हुए इस युवक को देखिए, दर्द से छटपटा रहे इस मासूम को देखिए। इन घावों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के गोले हैं। अचानक की गोलाबारी हो रही थी तो दरवाजे के सामने आके गोला गिरा है तो लग गई बस। पुंछ के किरनी सेक्टर में रविवार की देर शाम पाकिस्तान की ओर से कई गोले दागे गए। इन गोलों के धमाकों की चपेट में आकर कस्बा और बांडी चेचिया गांव के 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तानी सेना ने पहले भारतीय सेना पर मोर्टार से गोले दागे, लेकिन जब भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तानी फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मासूम गांव वालों पर पाक फौज की इस दरिंदगी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। हम परेशान हैं, लेकिन इकलौता इसके लिए मरकज को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। हकीकत यह है कि ताली दो हाथ से बजती है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सही हों, इसमें पाकिस्तान को भी पेशरफ्त करनी होगी। सीमा पार से अक्सर होने वाली इस गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत है।